हम पहुंच चुके हैं वर्मा जी के मंदिर के अंदर। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूं अजमेर के एक ऐसे मंदिर में जो कि आपने लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं अजमेर के कुछ तीर्थ स्थलों में से एक, पुष्कर जी के, वर्मा जी के मंदिर। तो मैं जा रहा हूं अंदर, तो प्लीज़ आप वेट करो कुछ यूनिक और कुछ खूबसूरत चीज़ देखने के लिए। तो गाइस, आपने आज तक कभी ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा, तो आ जाओ क्योंकि यह इंडिया का एकमात्र सबसे बड़ा वर्मा जी का मंदिर है। तो चलो चलते हैं। और मैं पुष्कर जी की पुष्कर की जो मार्केट है ना वो भी दिखाऊंगा, तो यार वीडियो को स्किप मत करना। पुष्कर में हमें गाइड मिले और यहाँ के बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे, तो ध्यान से सुनो आप। यार, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है वो पुष्कर में है, है ना। पुष्कर किसी मंदिर मूर्ति का नाम नहीं है, पुष्कर नाम है ब्रह्म सरोवर का नाम, जो आप नीचे है 2 मिनट का रास्ता है, जो ब्रह्मा का धाम है, जिसका उत्पत्ति स्वयं जगत पिता ब्रह्मा ने सत्युग में कमल का पुष्प गिरा के किया। पुष्प गिराते समय उन्होंने बोला, प्रति बीजा पवित्र स्थान होगा, पुष्प जाएगा गिरेगा मेरा धाम बनेगा। पुष्प सरोवर के मध्य गिरा, पुष्प का गति से सप्त पाताल छेदन हुआ, जल का उत्पत्ति हुआ, सरोवर बना। तो सदी का सबसे पहला आदि अनादि तीर्थ है ये पुष्कर सरोवर, जो सत्युग में ब्रह्मा जी ने पुष्प गिरा के बनाया। और कार्तिक माह में एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का ये मेला लगता है, क्योंकि ब्रह्मा ने गायत्री माता के साथ यही बेड की हवन किया था, उसी 5 दिन का मेला होता है। यज्ञ में ब्रह्मा का पहला पत्नी सावित्री माता को आने में देरी हो गया, ब्रह्मा जी ने दूसरा पत्नी गायत्री माता को बिठाया। पहला पत्नी सावित्री माता ब्रह्मा से नाराज होकर ब्रह्मा को श्राप देके अपना अलग स्थान पहाड़ी पे ब्रह्मा के मंदिर के पीछे बनाया। श्राप ये दिया कि आपका संसार में एक ही मंदिर रहेगा और वो भी अपूजनीय रहेगा, जिसका कोई गृहस्थी लोग फैमिली पर्सन पूजा अर्चना नहीं करेगा। जो भी पूजा प्रसाद जो भी होता है वो सरोवर का होता है, जल स्वरूप में ब्रह्मा का निवास है, जिसे गंगा यमुना का जल है, पुष्कर जल का नाम है। तो महत्वपूर्ण महत्व है जल का है, चमत्कार करामा जल का है। जल का सुख शांति का प्रसाद पूजन करने के बाद मंदिर आते, एकमात्र मंदिर है जिसका दर्शन होता है, जिसका जो निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था 14वीं शताब्दी में। तो मेन महत्व सरोवर का है, ये सब तीर्थों का गुरु है, इसी के लिए मेला होता है और इसी के लिए लाखों पब्लिक आती है। तो यही मेन जो है यहाँ का जानकारी है जो मैंने आपको बताया है। जय पुष्कर आज की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के बारे में इतने डिटेल में बताने के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ आना और जाना व्यर्थ हो जाता अगर मैं आप इसके बारे में ये जानकारी नहीं देते, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के साथ साथ उसके बारे में बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस, अभी यहाँ पे मैं अभी हूँ पुष्कर मार्केट में, और पुष्कर मार्केट में मुझे यहाँ पे बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही है, तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ, आप इंजॉय करो और घूमो पुष्कर मार्केट। तो आप नहीं, वैसे ऐसी कई चीज़ें जो बहुत जगह नहीं मिलती है लेकिन यहाँ पर है, मतलब आपको बहुत यूनिक चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, बहुत ही यूनिक। तो आओ, अब मैं कटोरे दिखाना चाह रहा था, और एक क्यों दिखाना चाह रहा था, ये स्पेशल कटोरे। अगर आपको कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आपको कभी वो प्रैक्टिकल करना हो कि हाँ भाई कहीं पर बैठ कर, तो आप ये कटोरे ले सकते हैं। भाई पूरा मत मानना, थोड़ी थोड़ी मजाक चल लीजिए टाइम टाइम पे, ठीक है ना। तो मैं दिल पे मत लेना यार, मजाक करने की थोड़ी सी आदत है मेरी, ठीक है ना। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम मेरे साथ रह के सीख जाओगे तुम पूरी तरीके से जान जाओगे मुझे कि मैं कितना फनी बंदा हूँ यार। मैं एनी टाइम फन में रहता हूँ, एनी टाइम इंजॉयमेंट इन लाइफ, बिकॉज लाइफ है जीने के लिए। गाइस, यहाँ पे मिल रही है खुले आम तलवारें, थोड़ा डर के रहना आप। ये सारी तलवारें असली मिल रही है क्या यहाँ पे अंकल जी? सारी तलवारें असली है यहाँ पे? 100 पीस है, बिना धार का। हाँ, बिना धार का 100 पीस है डेकोरेशन के। अच्छा अच्छा गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तलवारें, कुछ खंजर वगैरह मिल रहे हैं। और गाइस, ये कोई असली तलवारें नहीं है, तुम तलवारें कैसे मसो लेना, वो तलवारें मिलती है पुष्कर में। चलो चलते हैं वहाँ से तलवारें लेंगे। भैया ये शो पीस है, ओके आपको ये चीज़ बता देता हूँ, और आपको थोड़ा सा और कुछ दिखा दूँ क्या, दिखा दूँ? लो यार, तुम यह भी देख लो, कुछ पूजा पाठ का सामान देख लो, तुम कुछ हुक्के देख लो, डिजाइनिंग हुक्के, तुम कुछ प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ देख लो, क्योंकि तुम्हारे यही काम आने वाली है। बुरा मत मानना, ओ तुम्हें और भी चीज़ दिखाऊंगा, देखो वो परशुराम जी का वो
कुल्हाड़ी देख लो आप गाइस, भाई तलवारें ही तलवारें। गाइस कैसी लग रही है आपको तलवारें तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो, वेट मत करो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो एंजॉय करो यार, मैं आपको भी और भी चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, तो एंजॉय करो, बने रहो वीडियो में, स्किप करने की क्या जरूरत है वैसे भी। तो देखो अब यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कुछ प्यारी प्यारी सी कुछ चमचमाती चूड़ियाँ और कुछ अपने कुछ खास लोगों के लिए, अपने कुछ उन लोगों के लिए आप यहाँ से इन चूड़ियों को ले सकते हैं, क्योंकि मेरे तो लाइफ में ऐसा कोई है नहीं, अपने तो जो भी है बढ़िया है, चलो कोई ना। तो यार मैं आपको क्या दिखाऊँ, मैंने आपको तलवारें दिखा दी, मैंने आपको चूड़ियाँ दिखा दी, मैंने आपको आपके काम की चीज़ कटोरे दिखा दी, है ना। अब क्या दिखाऊँ मैं वही सोच रहा हूँ आपको, क्या सच में। ओ गाइस ये कुछ कानों के ना मुझे यूनिक लगे, ये देखो गाइस कितने यूनिक है, मुझे नहीं पता आपने आज से पहले कुछ इस तरीके के इतनी बेस्ट डिज़ाइन में कुछ ये चीज़ देखे होंगे गाइस। ओके आई नो आपको ये देख के मजे आए होंगे, और इसी ऑफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। और एक और बात बताऊँ, मेरी जान निकली जा रही यार इतने भारी बैग से, कैसे कर मतलब क्या करूँ यार इस बैग का क्या करूँ, ए भगवान कोई इस बैग को रख लो यार, कोई इस बैग को रख लो। ओ गाइस ये देख चुमड़ा जो अपने गांव में जब पानी लेके जाते हैं जब उसके नीचे चुमड़ा रखते हैं सर पे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वेट मत करो, आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बन आप जुड़ जाओ अपनी भाई की जर्नी के साथ में यार, वेट मत करो आप जुड़ जाओ, ठीक है ना। और तुम्हें पता है, तुम्हें एक और चीज़ बता दो, पब्लिक वेलेज में इस तरीके से कैमरा केयर करके चलना कोई आसान बात है क्या है। ओह तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, आ जाओ गाइस कुछ इस तरीके से देखो आप गाइस, ये है कुछ खूबसूरत सी चीज़ें, और यहाँ पे प्यारी प्यारी आप यहाँ पे ड्रेसें खरीद सकते हैं। तो कभी भी आप पुष्कर आ रहे हो तो मैंने आपको दिखा दिया कुछ यूनिक कुछ खास कुछ खूबसूरत कुछ गजब गजब कुछ यूनिक चीज़ें। और गाइस ये देखो आप कुछ इस तरीके के पर्स, और ओ शिट गाइस मुझसे कुछ नहीं देखा जा रहा, आपको एक बार दिखा देता हूँ बस, सच में यार मैं देखो यार चप्पलें हैं बहुत ज़्यादा यूनिक है यार, है ना, सारी गर्ल्स की आपके लायक है। आप बोलोगे हम गर्ल्स थोड़ी ना, मैं बताऊँ किसके लिए, आप दे सकते हो अपने कुछ खास लोगों को। हेलो गाइज मैं आ चुका हूँ अभी पुष्कर, और आप देख पा रहे हो ये है अभी पुष्कर का मार्केट, और यहाँ पे और आप यहाँ पे बेस्ट ऑफ पुष्कर। तो गाइज नमस्ते भैया, कम ऑन। तो जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो आप इन्हें आप आराम से अपने घर में सजा सकते हैं, और यहाँ पर आपको ना हर तरीके का आइटम मिल जाएगा इस मार्केट में, हर तरीके का आपको जैसे चीज़ें हो यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे, या फिर आपको देखो। और ना एक चीज़ में यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे फॉरेनर भी है, मतलब कुछ ज़्यादा ही है फॉरेनर, देखो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ तो हिंदी भी बोलते हैं, तो हो सकता है कि पता नहीं यहाँ पे। देखो यार यहाँ पे मुझे लग रहा है ये सारे हाथ से बने हुए हैं, और कुछ मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिक यूनिक चीज़ें हैं। देखो यह देखो गाइस यह देखो, मार्केट काफ़ी अच्छी है यार, सच में काफ़ी अच्छी मार्केट है यार, है ना। तो मैं आपको ना एक पूरी मार्केट एक बार दिखाता हूँ, घुमाता हूँ कुछ आपको ताज़ा कुछ खूबसूरत सी चीज़ें, और आ जाओ एंजॉय करो आज मेरे साथ में इस पुष्कर, आज आप मेरे साथ में पुष्कर की मार्केट घूमो गाइस। और बने हुए हैं क्या देखो गाइस, ये सारी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हाथ से बनी हुई डिज़ाइन है, यहाँ पे वहीं से देखते हुए आ रहे हैं, तो ये वही है शायद, ये सारी डिज़ाइन इन पे ना हाथ से बनी हुई मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं देखो मशीन से भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारी हाथ से बनी हुई है। और
अगर तुम बच्चे हो तो तुम इन खिलौनों से खेल सकते हो गाइस, क्योंकि मैं एक बात तुम्हें कहना चाहता हूँ कि बचपना है ना, बचपना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बचपना कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपकी जितनी भी उम्र हो जाए आप बच्चे बने रहो, मज़े जब ही है ज़िंदगी में। अगर आप जिस दिन आपको लगा है ना कि आप हम बड़े हो गए तो खिलौने ले लिया करो, खेलने के लिए बच्चों के साथ खेलने लग जाया करो, क्योंकि वही एक लाइफ है। अगर आप सच में लाइफ को जीना चाहते हैं तो बच्चे बने रहो सच में। इसलिए गाइस ये देख लो कुछ और यूनिक सी चीज़ें। ये देखो गाइस पेंटिंग देखो आप ग्लास में, मैंने कहा था ना आप जल्दी से देखो सर मैं पेंटिंग देखो। चीज़ बताता हूँ आपको, पता है यार मैं आपके लिए कितना बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ, बताऊँ क्या? यह देखो गाइस इतना भारी बैग, इस बैग के कारण जान निकली जा रही है मेरी जान। मैं जानता हूँ मैं किस तरीके से इसको उठा रखा हूँ यार, हालत खराब हो रही है यार इस बैग के कारण। भाई यहाँ पे रख भी तो नहीं सकते ना इसको, ये देखो गाइस अब सारी चीजें एकदम। गाइस देख लो आप, तो अब सही है मैंने यहाँ पे है ना लॉन्ग वाला जो ट्राइपॉड है वो नहीं लगा रखा, क्योंकि वो तो लोगों के बहुत ज़्यादा टच होता है, इसी को लेके घूमने में प्रॉब्लम हो रही है यार। और ये देख लो आप इस तरीके के, इस डिज़ाइन के आपने आज से पहले तो नहीं देखे होंगे मुझे पता है। ऐ देख लो यार आप कुछ यूनिक, वाह ये देखो पुष्कर की मार्केट है। सुनो देख लो यार देख लो मैं क्या मतलब आप, ये भी इतर मिल रहा है क्या अंकल जी? इतर है भैया इतर है, तो सबसे सस्ता कौन सा है और ठीक ठाक ये कितने का है? ये हमारे यहाँ का स्पेशल है, ये छोटा चीज आएगा 80 रुपये का, बड़ा 150 रुपये। ठीक है रहने दो, थैंक यू भैया। हाँ तो गाइस यहाँ पर जो इतर है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो आप यहाँ का इतर लेना मत भूलना, मैं तो कह यही कह रहा हूँ। लेकिन यार गाइज सॉरी मैं नहीं ले पाया, मैं क्या भी बताऊँ मैं नहीं ले पाया, लेकिन तुम लेना ज़रूर क्योंकि ऐसे इतर हर जगह नहीं मिलते, कुछ यूनिक है तो आप लेना ज़रूर। और यहाँ पे भी कुछ है क्या स्पेशल चीज़ें लग रहा है यार, यहाँ पे तो सारी चीज़ें स्पेशल है यार, मैंने कहा था ना आपको वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने कहा था यहाँ पे सब कुछ यूनिक है। तो यूनिक चीज़ों को हम देखते हुए बढ़ चले हैं आगे की तरफ, और आगे भी आपको कुछ ऐसी और कुछ खूबसूरत चीज़ें दिखाते हैं। ओह चाकू छू रहे, ओ भाई तुम दूर रहना थोड़ा से इनसे। आपको एक हैंगर दिखाऊंगे, हैंगर आपने हैंगर बहुत देखे होंगे, उनका भी ऐसे हैंगर देखेंगे आपने कुछ, ये देखो देखा है कभी आपने? मुझे पता है गाइस मुझे पता है आपने नहीं देखा, मुझे पता है, लेकिन अब देख लो ना आप मेरे साथ घूमो आज पुष्कर, मैं आपको घुमाता हूँ पूरी तरीके से पुष्कर। और गाइस 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 जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ भी, ये देख लो, ओ शिट यार कसम से जान निकली जा रही है बैग के कारण, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं, ओ शिट क्या हो रहा है बार बार इसको संभालना मुश्किल हो रहा है यार। इधर हूँ क्या करूँ यार मैं, हो सकता है इसके मुझे टाइट करने पड़ेंगे एक बार। ओ भाई ओके ओके इस तरफ का टाइट हो गया, ओके। तो गाइस आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष का टाइम अभी मैं भोग रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना भारी बैग लेकर किस तरीके से सरवाइव कर पा रहा हूँ गाइस। हे भगवान को इस भारी बैग से मुझे छुटकारा दे, और ये कोई बैग रख ले जब तक मैं ये पुष्कर घूमूं। कैसा लग रहा है आज का ये पुष्कर टूर? और भाई गाइज हम आ चुके हैं एंटर पुष्कर जी के मंदिर के अंदर, और जैसा कि आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं
वर्मा जी के मंदिर के अंदर, तो आराम से गाइस, आराम से बस तुम वेट करो, इंतज़ार करो, क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसा और कुछ खूबसूरत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस गाइस गाइस, हम पहुँच चुके हैं वर्मा जी के मंदिर के अंदर। तो हेलो गाइस, हम वर्मा जी के हेलो गाइज हम वर्मा जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हमने ले लिया है प्रसाद और चलते हैं अंदर और आपको अंदर करवाते हैं वर्मा जी के दर्शन। तो इंतज़ार करो गाइज, इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो आ जाओ गाइज मेरे साथ में, आप आज करोगे वर्मा जी के मंदिर के दर्शन, आ जाओ। तो है देख लो गाइस, इसके चारों तरफ का नज़ारा यार। सामने तो अभी पुलिस वालों ने मना किया है, शूट फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो चलो चलते हैं वापस। हेलो गाइस, यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी और दुख हुआ यार, कसम से दुख हुआ यार। फोटोग्राफी अलाउड होनी चाहिए थी ना यार, मतलब मैं वहाँ से वीडियो शूट करके आ रहा हूँ कि आपको अंदर दिखाता हूँ, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ वहाँ जाके। गाइस आई एम सॉरी यार, मैंने आपको वर्मा जी के मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा पाया यार, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, मैं क्या करता। और यार ये बैग ना मेरी जान लेगा मुझे लग रहा है, ये और कुछ ले, ले। बहुत भारी बैग है, हालत ख़राब हो रही है बैग के कारण, लेकिन कोई ना यार हार थोड़ी ना मानेंगे, अभी तो हमने शुरुआत की है सफ़र की, अभी तो आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है यार। ब्रह्म सरोवर के दर्शन कराते हैं और फिर चलते हैं यार यहाँ से, ठीक है ना। और एक मिनट में मैं माइक यहाँ पे कॉलर के अटैच कर लेता हूँ। ओह मैं एक मिनट ऐसे कैसे लगा पाऊँगा भाई, लग गया क्या माइक? हाँ गाइस फाइनली माइक लग चुका है और अब चलते हैं ब्रह्म सरोवर, मतलब जो यहाँ पे सरोवर है वहाँ पर, और उसके दर्शन कराते हैं, उसके बाद चलते हैं यार। उसके बाद है ना अपन को वहाँ पे भी तो जाना है, 7 अजूबे जो अभी बन रखे हैं, वहाँ की वीडियो शूट करनी है, वहाँ की वीडियो अभी पहले कर रखी मैंने, लेकिन वो क्या हुआ भाई, पूरी मेहनत ख़राब हो गई वहाँ की वीडियो की, क्योंकि मैंने 13 मिनट तक कंटिन्यू वहाँ की वीडियो बनाई और उसके बाद में ना शेडो आ रही है, उसके कारण पूरी वीडियो ब्लैक है। कोई ना, हम दोबारा शूट कर लेंगे यार, हम मेहनत करने से हारते थोड़ी ना है, हम नहीं हार मानेंगे गाइस, हम हार नहीं मानने वाले, हम तो करते रहेंगे मेहनत, ठीक है ना। तो गाइस फाइनली आपको ये दोबारा मार्केट दिखा दूँ क्या मैं, आप बोर हो जाओगे यार देख के। चलो मैं आपको ना आपको कुछ फैशन भी दिखाऊंगा यार, कुछ यूनिक फैशन जो आपने नहीं देखा, थोड़ा देख लो यार आप, मुझे पता है आपने नहीं देखा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कुछ पहन रखा, कुछ कोई लोग मतलब कई लोग यहाँ पे कुछ पहन रखे हैं, यहाँ पे कुछ लोग पहन रखे हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये सब। कोई ना यार आपको दिखा दें कुछ, वेट करो बस। फाइनली हम आ चुके हैं वर्मा जी के मंदिर से और वर्मा जी के बारे में आपको सारी डिटेल हमारे वो गाइड भैया ने आपको सब कुछ बता दिया। तो गाइस अगर आप कभी भी पुष्कर आते हो तो आप यहाँ पर कैमल सफारी भी कर सकते हो, तो मैं आपको थोड़े कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिखाता हूँ, तो आप कभी भी आओ तो एक बार देख लेना यहाँ पर आके, है ना। तो यह देख लो गाइस कुछ कैमल सफारी हॉर्स राइडिंग, आपको बार बार सुनकर अजीब लग रहा होगा लेकिन इस बैग में इतना वजन है कि मेरी हालत ख़राब हो रही है सच में यार। इंजॉय और ट्रेवलर ना इसको कहीं ना कहीं रखने के बाद ही होता है, इसको साथ में लेके घूमना ऐसा लगता है कि मैं कोई सजा है मेरे लिए कि मैं इस बैग को साथ रखूँ यार। आई नो इसमें मेरा सब कुछ है, मेरा टेंट, मेरे कपड़े सब, लेकिन यार फिर भी हमेशा साथ रखना बहुत मुश्किल होता है। अब इतना भारी बैग लेकर यार ट्रेवल करना, मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं ट्रेवल नहीं कर रहा, मेरे को एक सजा मिल रही है, एक पनिशमेंट है ये मेरे लिए कि मैं इसको साथ में लेके चलूँ यार। व्हाट इज दिस, मेरा मन है कि यार मैं इसको कहीं ना कहीं पर यहीं पर किसी लोकल के रख देता हूँ, नहीं नहीं रख पा रहा यार। अब आजकल हर किसी पे ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकते ना, टाइम भी तो ठीक नहीं है ना आजकल। कोई ना
वैसे भी हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, यहाँ पे पूरी वीडियो शूट हो चुकी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको पुष्कर घाट दिखाता हूँ, उसके बाद में चलते हैं वापस। और कुछ आपको यूनिक और कुछ स्पेशल चीज़ें दिखानी है तो मिस हो गई, दिखा देता मैं आपको। यार ऐसे हर किसी को कैमरे में लेना है ना अच्छा लगता। एक लड़का था अभी यहाँ से, यहाँ पे उसने ऐसे कुछ पहना हुआ था यहाँ पर, तो वो दिखाता मैं आपको। लेकिन यार मेरा मन नहीं किया कि यार हर किसी को बिना परमिशन ऐसे कैमरे में लेना, कहीं ना कहीं सही बात नहीं है, तो कोई ना यार। और हम पुष्कर घाट पहुँचने वाले हैं शायद। वो भाई कितनी दूर है वैसे, तुम ना परेशान तो नहीं हुए ना कहीं, बोर हो गए होंगे, बोला यार कब खत्म करेगा। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुष्कर घाट, तो आ जाओ मैं आपको दिखाता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पुष्कर घाट। और पुष्कर घाट गाइस सच बता रहा हूं यार, आप सुन सुन के इरिटेट हो गए होंगे, लेकिन ये बैग बहुत भारी है यार, इसने हालत ख़राब कर रखी है मेरी, लेकिन क्या करूँ यार। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली मैं आ चुका हूँ पुष्कर घाट। यह है पुष्कर घाट। आज के टूर में देखा मैंने आपको दिखाया बर्मा जी का मंदिर, उसका इतिहास, उसका मार्केट और मेला भरता है, कब लगता है, जो भी। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे राजस्थान वाला रामरस के साथ में। आप देख सकते हो कितने यूनिक ताले हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ कुछ इस तरीके के ताले। वाओ यार।